दिल्ली के कृष्णा नगर के सुख विहार इलाके में रामलीला का मंचन फुटपाथ पर ही चल रहा है। न लाइट, न टेंट और न ही कोई साज सज्जा, फिर भी कलाकार रामलीला का मंचन करने में जुटे हैं। कृष्णा नगर सुख विहार तिकोना पार्क में आप देख सकते हैं कि किस तरह से रामलीला का मंचन ठीक सड़क पर किया जा रहा है। और आपको बता दें कि परमिशन नहीं मिली, इस वजह से तमाम जो पात्र हैं वो यहाँ पर सड़क के ठीक किनारे आ गए और उसके बाद यहाँ पर मंचन शुरू हो गया। आप देख सकते हैं ये सीन इस वक्त ताड़का का है, जहाँ पर ताड़का का वध भगवान श्री राम ने कर दिया है और साथ ही साथ भगवान श्री राम की जयकारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर परमिशन नहीं मिली उसके आसपास के लोगों में इस बात को लेकर के गुस्सा भी है। आयोजकों ने बताया कि पिछले कई सालों से वो इस इलाके में रामलीला का आयोजन करते रहे हैं, लेकिन इस बार सारे दस्तावेज होने के बावजूद परमिशन नहीं मिल पाई, लिहाजा सभी कलाकार फुटपाथ पर ही जुट गए और रामलीला करने लगे। हालांकि हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब रेडी थे, सब चीज़ पूरी थी, लेकिन क्या कारण हुआ क्या नहीं हुआ, हम किसी लिए किसी अधिकारी को या किसी नेता को या किसी पार्टी को हम दोष नहीं देते। हमें इस बात का दुख है कि क्यों ना हम इसी पटरी पर जिसकी हम परमिशन मांग रहे थे, बिना टेंट, बिना लाइट, बिना साउंड के आज हम इस लीला का मंचन कर रहे हैं और आज हमने यहाँ ताड़का वध किया है। और ताड़का वध का एक उद्देश्य होता है, रामलीला के जितने भी पार्ट होते हैं उन सबका उद्देश्य होता है। रामलीला मंचन की अनुमति न मिलने की सभी ने निंदा की, पर रामलीला का मंचन जारी रखने का संकल्प भी लिया, चाहे फुटपाथ पर ही सही। न ही कोई रोशनी, न ही जनरेटर, न ही कोई सुख सुविधा, लेकिन रामलीला का मंचन यहाँ जारी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर इकट्ठा भी हैं और रामलीला देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पात्र भी पहुँच चुके हैं, ताड़का का वध भी हो चुका है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर परमिशन नहीं मिली उससे लेकर के आप देखिए कि तमाम राक्षस प्रजाति के साथ साथ सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और इस बात का विरोध कर रहे हैं। सुर हैं, सुरों के साथ साथ असुर भी इकट्ठे हो गए हैं और सबका साफ तौर पर एक ही विरोध है कि अगर उन्हें परमिशन मिल जाती तो यूं अंधेरे में उन्हें ये मंचन नहीं करना पड़ता, ये फुटपाथ पर मंचन नहीं करना पड़ता। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।